नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं हिंद आवाज। अभी मैं पटना के गर्दनी बाग स्थित संजय गांधी स्टेडियम में हूं। आज पटना क्रिकेट जूनियर डिवीजन लीग मैच खेला जा रहा है, जहां पहला मैच विद्यार्थी सीसी बनाम ब्लेस सीसी के बीच खेला जा रहा है। पटना में घरेलू क्रिकेट लीग मैच बहुत दिन या तो कहें बहुत अंतराल के बाद खेला जा रहा है। इस मुद्दे पे बात करते हैं, आइए संघ के पदाधिकारियों और खिलाड़ियों से। सर, ये लीग मैच बहुत दिनों बाद खेला जा रहा है, इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? बहुत खुशी की बात है कि ये शुभारंभ होने जा रहा है आज, और कल हमारा ए डिवीजन का भी शुभारंभ हुआ और बच्चों को खेलने का मौका मिल रहा है। चूँकि कि पटना में खासकर ग्राउंड्स का काफ़ी कमी है और इधर काफ़ी मैचेस चल रहे थे और तैयारी हो रही थी बड़े मैचेस का, जिसके चलते ग्राउंड अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। ग्राउंड अवेलेबल होते ही हम लोग स्टार्ट किए हैं और शुभकामना है प्लेयर्स को कि अच्छा करें और आगे बढ़ें। सर, इस लीग में आपकी भी टीम खेल रही है, आपकी टीम की क्या तैयारियाँ? सभी बच्चे नेट्स कर रहे हैं, बड़ी उत्साह है उनमें और आगे बढ़ने का। अभी क्रिकेट का बहुत सारा फोरम है, हर बच्चे चाह रहे हैं कि आगे बढ़ें और अच्छा करें और बिहार का नाम रोशन करें। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे साथ दोनों टीमों के कप्तान, विद्यार्थी सीसी के कप्तान राहुल कुमार और ब्लेस सीसी के कप्तान आयुष प्रकाश सिंह मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राहुल, आपसे बात यह कि इस गर्मी के मौसम में लीग मैच खेला जा रहा है, काफ़ी दिनों बाद लीग मैच हो रहा है, आपकी इस पे प्रतिक्रिया क्या? जो है जल्दी, जितना जल्दी हमेशा होना चाहिए, सीजन होना चाहिए, लीग अच्छा रहता है। गर्मी में कुछ दिक्कत होते हैं बट ग्राउंड बुक थे इसलिए थोड़ा लेट हो गया, और पहले भी दो साल से लीग नहीं हो रहा था सही से। अब आशा करते हैं कि अब सही से लीग हो। आपकी टीम की क्या तैयारी है? अच्छी तैयारी है, सब अपने मेहनत पे लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है राहुल, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हमें ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि इस बार लीग हमारी स्टार्ट हुई है। हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि हमें मैचेस जल्दी मिल रहे हैं और हमें बस अपना बेस्ट देना है। इसमें हम लोग पूरा साल इसी के लिए मेहनत करते हैं क्योंकि इसके हर एक मैच हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, हर एक मैच की इक्वल वैल्यू होती है, इसी से हम लोग आगे खेल सकते हैं, तो इसमें हम अपना बेस्ट देंगे। आयुष, क्या ये लीग मैच और पहले होना चाहिए तो? नहीं, वो एसोसिएशन को है, ऊपर है, अगर वो किसी प्रॉब्लम से जूझ रही है तो वो हमारा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो अब एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि अब इतने दिन बाद मतलब ग्राउंड अवेलेबल है, हमें इतनी अच्छी वो मिल रही है, ग्राउंड फैसिलिटी मिल रही है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस अपना बेस्ट देना है, हमें अपने क्रिकेट पर ध्यान देना है बस। धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मेरे साथ पटना जिला कमेटी के सदस्य रूपक कुमार हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी रूपक जी, मेरा सवाल है आपसे कि ये लीग मैच काफ़ी दिनों बाद खेला जा रहा है और इतने गर्मी में, और ये थोड़ा लेट खेला जा रहा है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, काफ़ी दिनों बाद तो नहीं खेला जा रहा है, हर साल खेला जाता है। मैं पिछले सीनियर डिवीजन में भी बताया हूँ पिछले दिन कि सो ये हर साल खेला जाता है। 1972 से कंटिन्यू लीग चल रहा है, 2019 में भी लीग चला है, 2018 में भी चला है, 2017 में भी चला, और ये ग्राउंड इतिहास है कि न जाने कई जूनियर डिवीजन लीग का फाइनल कराया है, जिसका आज उद्घाटन हो रहा है, उसका कई जूनियर डिवीजन लीगों का मैचों का फाइनल करा चुका है। आप कह रहे हैं यह मैच लेट से नहीं खेला जा रहा है, ये मैच तो बहुत लेट से लीग स्टार्ट हुआ है, और अभी हमने कुछ और पदाधिकारियों से बात किया, उन्होंने भी कहा कि हाँ लेट से हुआ है बट बच्चों के लिए अच्छा है, भविष्य के लिए अच्छा है। देखिए, ग्राउंड की बहुत कमी है यहाँ पे, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। ग्राउंड की कमी इतनी है कि जो हम लोग को एसोसिएशन में ग्राउंड नहीं मिल रहा है, जैसे अभी हमारे जो सीनियर पदाधिकारी ने बताया कि सो ग्राउंड का किल्लत है यहाँ पे, जो भी हमारे मेन मैच है, जो BCCI के मैच थे, उसके लिए हमारी टीम तैयारी कर रही थी, बिहार की टीम तैयारी कर रही थी, वो भी एक अहम मुद्दा है। इस कारण से जिला का लीग थोड़ी सी देरी हुई है, लेकिन इसको देरी नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको हम लोग एक अंजाम तक पहुँचाएं। रूपक जी, ये संजय गांधी स्टेडियम, यहाँ बहुत कुछ खामियाँ देखने को मिली, इसके लिए आप लोग के संघ के पदाधिकारी क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे? संघ के पदाधिकारी लगातार इस पे काम कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं पहले इससे भी खराब ग्राउंड में था, लेकिन जब से सचिव यहाँ पे बने हैं श्याम बाबू राय जी ने बहुत काम किया। आप अंदर जाके ड्रेसिंग रूम देखिए, वॉशरूम देखिए, हॉल देखिए, ग्राउंड देखिए, काफ़ी उन्होंने काम किया है यहाँ पे। श्याम बाबू राय जी जो सचिव बने हैं वो खुद बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं खेलों में। ठीक है, धन्यवाद। Yeah.
जैसा कि आपने देखा कि मैंने पदाधिकारियों और खिलाड़ियों से बात किया, उन्होंने बोला कि हम पूरा फुल एफर्ट लगाएंगे। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं हिंद आवाज़।